चित्तौड़गढ़ में हुई बारिश के बाद घर से ऊपर से निकल रही 33 केवी की लाइन एक घर की छत को छू गई, जिसके कारण पूरे घर के इलेक्ट्रिक के उपकरण जल गए और घर में दरार आ गई हैं। गनीमत तो यह रही कि कोई जनहानि नहीं हुई है। इसकी सूचना मिलने पर विद्युत विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और लाइन को बंद कराया। इस घटना के बाद से पूरे मोहल्ले वालों में काफ़ी आक्रोश देखा गया। आपको बता दें, चंद्रशेखर आज़ाद नगर में प्रकाश सुगानी के घर के ऊपर से गुजर रही 33 केवी की लाइन अचानक से घर के छत को छू गई, जिसके कारण घर के छत पर दरारें आ गई और घर के सभी विद्युत उपकरण जल गए। इस घटना को देखकर लोगों में हड़कंप मच गया। चंद्रशेखर आज़ाद नगर सैंती की है। 33,000 की लाइन जा रही है ऊपर से, मकानों के ऊपर से, और बारिश रात को बारिश हुई थी, उसके बाद भी बहुत सी बार ये स्पार्किंग कर रही थी, और आज अभी सुबह लगभग 10 बजे के करीब अचानक इस मकान के अंदर टच होकर और ब्लास्टिंग हुआ, और ब्लास्टिंग इतना ज़बरदस्त हुआ, ज़ोरदार आवाज़ आई, और उसके साथ में इस मकान के अंदर जितने भी थे सब बाहर निकल के गए और मकान की पूरी लाइन वगैरह थी जो सब चल गई।